सो गाइज यार कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। गाइज यार आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि गाइज यार हमको पता है कि ज़्यादा ब्लैक फोटो रहता है तो आप लोग उसको गोरा नहीं कर पाते हैं, और गोरा करते भी है तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। मुझको सब कुछ पता है गाइज यार, तो उसको किस तरह सही करेंगे आप लोग मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो कि देखिए आज का वीडियो कितना ज़्यादा हार्ड है, फोटो हमारा कितना ज़्यादा बेकार था, एंड एडिटिंग के बाद पूरा गाइज यार पूरा वाइट हो चुका है फोटो हमारा। और बैकग्राउंड भी देख लीजिए आप लोग, एक ही क्लिक में कुछ आप लोग ऐसा येलो कलर का बैकग्राउंड कर पाएंगे। और ये PNG कहाँ से लगाना है सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देर किसी वक्त चोदी के। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बिना एडिटिंग वाला फोटो को ले लेना होगा, एंड इसको हम क्या करेंगे, ले चलेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो हम इसको लाइट रूम में शेयर कर देंगे और आप भी अपना फोटो लाइट रूम में शेयर कर दीजिएगा। और देखिए मैं डेली इंस्टा टेलीग्राम पर लाइव आता हूँ एंड आप लोगों को एडिटिंग लाइव सिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो मेरा फुल वॉच कीजिएगा, अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग टेलीग्राम पर आइए एंड मैं डेली वीडियो अपलोड कर समय लाइव आता हूँ एंड आप लोग को सारा कुछ सिखा दूंगा। जो आप लोग को प्रॉब्लम होगा वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। तो देखिए हम लोग को लाइट रूम में आने के बाद अपना फोटो कुछ यहाँ पे ओपन कर लेना है, जो कि हमारा कुछ ये रहा फोटो। फिर आप लोग सेटिंग को आराम से देखिए मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ और क्या क्या करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग लाइटिंग वाले ऑप्शन पर आएंगे और एक्सपोजर का आप लोग प्लस देखिए +70 कर दीजिएगा, +60 कर दीजिएगा। फिर कंट्रेस्ट को कुछ माइनस इतना कर दीजिएगा। फिर हाईलाइट को हमको पूरा लो 100% लो कर देना है। फिर शेडो को पूरा 100% हाई कर देना है। फिर वाइट को हमको पूरा 100% लो कर देना है। फिर उसके बाद देखिए आपको ब्लैक वाले को कुछ इतना देखिए इसको -85 के आसपास में कर देना है। देखिए इतना सेटिंग होने के बाद हम लोग कलर पर आएंगे और मिक्स पर जाएंगे। फिर हमको जाना है एक नंबर वाले कलर पर, इसको हाई करेंगे इतना, और इसको भी कुछ इतना आप लोग इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं कुछ इसको इतना रखता हूँ। फिर आप लोग दो नंबर पे जाइएगा और इसको लो करके इसको हाई कर दीजिए। देखिए फेस कितना ज़्यादा वाइट हो चुका है, देखिए एक क्लिक एंड फेस पूरा वाइट। तो आप लोग कुछ इतना सेटिंग देखिए कर लीजिएगा। फिर आप लोग इसको आकर इसको भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, देखिए मैं इतना कर देता हूँ एंड इसको भी आप लोग देख लीजिए इसको हाई कर देता हूँ। फिर दो नंबर को आप लोग येलो एंड रेड फेस कर सकते हैं, बट मैं इसको इतना रहने देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इतना काम करने के बाद आप लोग और अच्छे से इसको बना लीजिएगा। फिर हम लोग इस पे आएंगे और इसको पूरा येलो कर देंगे, इसको पूरा हाई कर देंगे। फिर इस पे आएंगे, इसको पूरा येलो नहीं हमको कुछ इतना करेंगे और इसको पूरा हाई कर देंगे। देखिए कितना मस्त हम बैकग्राउंड येलो हो चुका है एंड आप इसको चमक ला सकते हैं बैकग्राउंड पर। फिर इसको हम लोग डाउन पर क्लिक करेंगे एंड कुछ सिचुएशन को +4 कर देंगे। फिर हम लोग आएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। फिर देखिए इतना सारा आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, हम क्लैरिटी को +10 कर देंगे। और देखिए उसके बाद क्वालिटी हमारा कितना हार्ड हो चुका है। एंड गाइस यार देखिए इतना सेटिंग कर लेने के बाद हम लोग फोटो को ले चलेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस यार आप लोगों को स्नैपसीड चलाना नहीं आता है हमको पता है, क्योंकि आज हम आए थे जब टेलीग्राम पर लाइव तो आप बहुत मेरे भाई लोग आए थे एंड बोले थे कि भाई हमको जो स्नैपसीड है उसमें सिलेक्टिव चलाना नहीं आता है। तो गाइज यार आप आराम से देखिए मैं क्या करता हूँ एंड किस तरह चलाता हूँ। तो देखिए सिलेक्टिव चलाने के लिए सबसे पहले हमको टूल्स वाले पे जाएंगे और ये जो सिलेक्टिव का ऑप्शन है हम लोग इस पे चले जाएंगे। और देखिए सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ब्लैक पार्ट है, ये इस साइड गाल पे, तो क्या करेंगे इस तरह हम ब्लैक वाले पे इस तरह मार्क लगा देंगे। देखिए इस तरह छोटा करके जहाँ पे बस ब्लैक है वही पीरियड वाले को रहने देंगे छोटा करके, एंड ब्राइटनेस को हाई करके इसको लो कर देंगे देखिए सिचुएशन को। एंड देखिए पहले ब्लैक था अब कितना हो चुका है, तो कुछ अपने हिसाब से कर देते हैं इतना पे। एंड देखिएगा जी यार आपके सामने ही वाइट वहाँ पर हो चुका है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है, तो इसी तरह इसी यहाँ पर भी हमको वाइट कर लेना है देखिए इस तरह। तो कुछ इसको इसको हाई करके एंड इसको लो कर देगा, देखिए देखिए कितना मस्त वाइट ये हो गया। एंड देखिए कितना इजी स्टेप में आप लोग वाइट इस तरह कर पाएंगे। एंड फिर कुछ इस साइड ब्लैक है तो इस साइड में हम क्या करेंगे इसको हाई करके एंड देखिए इसको हाई कर देते हैं, देखिए कितना मस्त वाइट हो चुका है। फिर आप लोग आँख पर भी ब्लैक है तो आँख पर भी लाइटिंग दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको कहीं पर ब्लैक दिखाई दे तो वहाँ पर आप लोग लाइटिंग दे दीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे हाथ पर ब्लैक है तो हाथ पर भी हम लाइटिंग दे देते हैं एंड इस हाथ में भी लाइटिंग दे देते हैं। तो देखिएगा जी इतना काम कर लेने के बाद देखिए कितना मस्त हमारे फेस पर लाइटिंग आ चुका है, और कहीं पे चमक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा देखिए यहाँ पे चमक आ चुका है। तो हम सब कुछ सही करने वाले हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको सेव वाले पे क्लिक कर देंगे एंड आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है एडोब फोटोशॉप फिक्स, जिससे कि हम अपना हेयर सेट करते हैं। तो उस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिर हम लोग देखिए बैक करेंगे इसको, फिर प्लस पे जाएंगे और आपको मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है देखिए इस तरह। फिर आपका जो फोटो हम स्नैपशीट से सेव किए थे उस वाले को लेंगे और इस तरह ले लेंगे फोटो को।
फिर आप लोग देखिए हम जाएंगे ये लिक्विफाई वाले ऑप्शन पे, फिर हम इस पे जाएंगे। देखिए लिक्विफाई पे आने के बाद हमको वॉप पे जाना है। वॉप पे जाने के बाद जस्ट हमको देखिए कुछ इस तरह अपने हेयर को इस तरह सेटअप कर लेना। देखिए इस तरह कितना आसान है गाइस यार, आप लोग देख सकते हैं। बस आप लोग को चारों साइड से हम लोग को इस तरह हेयर को इस तरह सेटअप कर लेना। देखिए देखिए कितना ही ज़्यादा आसान है, कितना मस्त मैं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कुछ आप लोग को इस तरह सेटअप कर लेना है देखिए इस तरह। एंड कुछ देखिए इतना आप लोग को अच्छा तरह सेटअप करना है ताकि फोटो आपका मस्त लगे, क्योंकि कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा उठा देते हैं। देखिए कुछ इतना पे सेटअप कर लेते हैं एंड मेरा हेयर कुछ गोल टाइप का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए गाइस इतना काम करने के बाद हम लोग सही पे क्लिक कर देंगे, फिर देखिए सही पे शेयर पे जाएंगे एंड गैलरी पे फोटो पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है। तो ब्लर किस तरह करेंगे देखिए, उसके लिए हम आएंगे। सबसे पहले हम अपना फोटो ले लेते हैं यहाँ से, एंड फोटो जस्ट लेने के बाद ये हमारा फोटो है, तो इसको हम ले चलेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको पता है कि फोटो रूम से हम ब्लर करते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। फोटो रूम से ब्लर कर सकते हैं, कटआउट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ सारा जानकारी उसमें है फोटो रूम में। अगर आप लोग को फोटो रूम का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द उस पर भी वीडियो आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह स्कैनिंग करता है, फिर इस तरह देखिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो देखिए अभी एक ऑप्शन यहाँ पर आया है ब्लर का, तो अभी नेट के ऊपर डिपेंड करता है, नेट मेरा स्लो है इसलिए कभी कभी टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो जस्ट हम इस पर क्लिक कर देंगे देखिए ब्लर वाले ऑप्शन पे। फिर देखिए नीचे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, हम लोग बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, फिर हम लोग नीचे जाएंगे और ब्लर पे क्लिक करेंगे, और दो नंबर वाले ये जो ब्लर है हम लोग इसको ले लेंगे। फिर नीचे जो ये ब्लर का ऑप्शन है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ इसको अपने हिसाब से इतना पे सेटअप कर लेंगे। एंड अगर आप लोग को इसका सिचुएशन को और ज़्यादा हाई करना है तो उसके लिए हम जाएंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, और आप सिचुएशन पे जाकर इसको हाइक कर सकते हैं। देखिए इस तरह और भी बैकग्राउंड पे चमक आ रहा है। एंड इतना काम कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फोटो को ले चलेंगे डायरेक्ट पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, और मैं आपको सारा PNG लगाना सिखाऊंगा इस एप्लीकेशन में। तो देखिए मैं आप लोग को इतना आसानी से सिखाता हूँ, फिर भी आप लोग बोलते हैं भाई हमको एडिटिंग नहीं आता है। गाइस यार ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत लोग एडिटिंग सीख चुके हैं मेरा वीडियो देखकर। क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पे फोटो रूम का आइकन आया हुआ है, तो इसको हटाने के लिए हम जाएंगे ऐड फोटो पे, और ऐड फोटो पे जाएंगे और देखिए जो इससे पहले यानी कि बिना ब्लर वाला जो हमारा फोटो था उसको लेंगे और ऐड फोटो पे क्लिक कर देंगे। फिर कुछ इस तरह जूमिंग करके इसको पूरा इस तरह सेटअप कर लेना है देखिए इस तरह। फिर इरेज पे जाएंगे, इन्वेट कर देंगे इसको, देखिए इन्वेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह रिस्टोर कर लेंगे देखिए। फिर हम सही पे क्लिक करेंगे एंड सही पे क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद आप लोग को दो PNG मिल जाएगा, दोनों PNG को डाउनलोड कर लेना है वीडियो को डिस्क्रिप्शन से, और टेलीग्राम में भी जाकर लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए हम अपने दोनों PNG को ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम दोनों PNG को ले लेते हैं, पता ना PNG कहाँ पे हम रखे हुए हैं। तो देखिए PNG हमारा इसमें है, चलिए हम दोनों को ले लेते हैं। तो दोनों PNG को लेने के बाद हम लोग ऐड वाले पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए दो PNG है हमारे पास, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट वाले PNG लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे ब्लेंड पे जाकर स्क्रीन करके कुछ इसको यहाँ पे लगा देंगे देखिए इतना पे। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, तितली वाले PNG को ले लीजिएगा एंड इसको भी ब्लेंड करके कुछ इसको क्या करना है, जगह जगह पे इस तरह बैठा देना देखिए यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड कुछ इसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसको देखिए यहीं पे करके चार पाँच जगह आप लोगों को लगा देना है। देखिए फोटो हमारा कितना ज़बरदस्त लगाना स्टार्ट हो चुका है। एंड कुछ इतना काम करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव वाले पे क्लिक कर देना है। फिर आपको जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे, फिर आपको सर्च पे जाना है, और आपको क्या करना है, सर्च करना है लाइट PNG, और इस लाइट वाले PNG को ले लेना है। फिर क्या करेंगे, ब्लेंड पर जाकर स्क्रीन कर देंगे, फिर कुछ इसको यहाँ पर लगा देंगे इतना पे, फिर हम लोग इसको सही पे क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद आप लोग को फोटो को सेव कर लेना है, और उसके बाद चलिए बताते हैं क्या प्रोसेस है एंड इसके बाद क्या करना है दूसरे स्टेप में। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं एंड चलिए चलते हैं गैलरी में और आपको दिखाते हैं। सो गाइस देखिए हमारा फोटो यहाँ पे गैलरी में आ चुका है, एंड हमको रेमनी एप्लीकेशन को यूज कर लेना है फोटो पे ठीक है। तो हम रेमनी एप्लीकेशन में फोटो को शेयर कर देंगे देखिए इस तरह, और शेयर करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, देखिए ये शेयर हो चुका है एंड अभी एक ऑप्शन आएगा, तो ये जो ऊपर एनहच वाला ऑप्शन हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह। तो उसके बाद देखिए एक ऐड आएगा, इसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग इसको कट पे क्लिक कर देंगे। देखिए गाइस यार दो ऐड आता है, एक पहले ऐड आता है और एक बाद में ऐड आता है, तो हम दोनों को देख लेंगे। फिर देखिए ये प्रोसेसिंग चल रहा है एक ऐड देखने के बाद, जो कुछ सेकंड तक शायद प्रोसेसिंग कभी कभी चलता है, कभी कभी तुरंत हो जाता है। तो देख लीजिए प्रोसेसिंग चल रहा है।
तो फिर देखिए उसके बाद कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस आता है। देखिए पहले इस तरह था बिफोर एंड आफ्टर, कितना ज़्यादा HD हो चुका है फोटो हमारा। फिर हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे इस तरह। ब्रो मुझे ना, फिर उसके बाद देखिए एक और ऐड आता है, चलिए हम इसको भी स्किप कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ऐड चल चुका है, फिर हम उस पर कट वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे एंड फोटो देखिए हमारा अभी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो देखिए नीचे प्रोसेसिंग चल रहा है गाइस यार। फिर हम लोग इसको डन पे क्लिक करेंगे और हम चलिए चलते हैं गैलरी में और आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं क्या करना है हमको। तो देखिए फोटो हमारा यहाँ पे आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं फोटो हमारा कितना ज़्यादा HD में आया हुआ है और फेस पे कितना ही ज़्यादा वाइट है फोटो पे हमारा। तो फिर हम लोग इसको ले चलेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर और हम क्या करेंगे, फेस को करेंगे स्मूथ। तो जो देखिए यहाँ पे फोटो हमारा ओपन हो चुका है, फिर हम लोग जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे और आपको जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पे गाइस यार। तो हम ब्रश वाले पे जाएंगे, इस वाले ब्रश को लेंगे, सेटिंग कुछ इतना रख देंगे। फिर हम लोग को क्या करना है, फेस को स्मूथ करना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि हम ऊपर वाले पार्ट को स्मूथ करते हैं, क्योंकि गाइस यार ऊपर वाले से हम ऊपर से स्मूथ करते हैं तो फुल फोटो हमारा फुल मस्त बनेगा। ठीक है, आप लोग कहीं से भी स्टार्ट मत कर दीजिएगा नहीं तो फोटो बेकार हो जाएगा। देखिए कितना मस्त हमारा फोटो स्मूथ हो रहा है। तो फिर आपको क्या करना होगा, इस साइड साइड में आप लोगों को स्मूथ करना होगा। देखिए ये भी बचा बचा कर बहुत लोग हाथ को और गाल को दोनों को मिला देते हैं, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। साइज को छोटा करके फिर हम लोग को स्मूथ करना है मस्त तरीके से। देखिए देखिए कितना मस्त हमारा फोटो स्मूथ हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हमको पूरा फेस को हमको स्मूथ कर लेना है, जो कि देखिए मैं आपके सामने ही स्मूथ कर रहा हूँ, जो कि देखिए कितना मस्त हमारा फोटो स्मूथ हो रहा है। चलिए हम इस वाले पार्ट को स्मूथ करके फिर आप लोग को दिखा देते हैं एंड फिर वीडियो को हम फास्ट करेंगे। तो देखिए आप लोगों को साइज को छोटा बड़ा करते रहना है ताकि फोटो आसानी से स्मूथ हो जाए। एंड देखिए सो गाइज आप लोग देख सकते हैं गाल हमारा इस साइड कितना मस्त स्मूथ हो चुका है एंड कहीं पे भी ब्लैक ब्लैक पार्ट नहीं आया है और ब्रश भी चिन्ह नहीं रहा है। तो चलिए वीडियो को फास्ट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं। सो गाइज यार आप लोग देख सकते हैं फोटो हमारा कितना मस्त तरीके से स्मूथ हो चुका है एंड इतना काम होने के बाद हम लोग फोटो को ले चलेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर और मैं आपको गजब का ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग फेस को वाइट कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्नैपसीड में। तो देखिए हम लोग को स्नैपसीड में आने के बाद हमको जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पर और हमको सिलेक्टिव पर चले जाना है। देखिए उसके बाद आपको जहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे वहाँ पर हम लोग को लाइटिंग दे देना है। देखिए इस तरह, जो कि आप लोग यही काम नहीं करते हैं जिससे फोटो हमारा कहीं पे ब्लैक रह जाता है कहीं पे वाइट रह जाता है। तो देखिए जहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट है वहाँ पे हम लोग इस तरह लाइटिंग को दे देंगे आराम से। ज़्यादा लाइटिंग नहीं देना है आपको, नॉर्मल में लाइट देना है। देखिए एंड जस्ट देखिए इतना लाइटिंग के बाद फोटो हमारा कितना गजब का लग रहा है। तो देखिए आप लोग को इतना लाइटिंग देने के बाद फिर हम आएँगे टूल्स वाले ऑप्शन पर और हम लोग पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर चले जाएँगे। फिर देखिए कुछ तीन अभी ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा फेस स्पॉट लाइट का, इसको हाई करेंगे एंड फिर सेकंड पे आएगा स्किन स्मूथिंग को, इसको भी हाई करेंगे और आई क्लैरिटी को भी हाई कर देंगे। एंड देखिए इतना सेटिंग करने के बाद हम लोग को फोटो को ले चलना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर एंड ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। तो देखिए हमको लाइट रूम को ओपन कर लेना है इस तरह, और चलिए हम लाइट रूम को ओपन कर देते हैं। फोटो तो सेंड कर दिए हैं लाइट रूम में, फिर हम लोग को लाइट रूम को ओपन कर लेना है। फिर देखिए हम फोटो अभी आएगा फर्स्ट में। तो देखिए ऊपर हमारा फोटो आ चुका है एंड गाइस यार आप लोग इस सेटिंग को आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले हम आएंगे लाइटिंग वाले ऑप्शन पे और देखिए यहाँ पे चमक कुछ ज़्यादा है तो हम वाइट वाले को पूरा लॉक कर देंगे। देखिए सारा कुछ बेकार हो चुका है। फिर हम लोग कलर पे आएंगे, मिक्स पे जाएंगे एंड दोनों पे जाएंगे, इसको लॉक करके इसको हाई पे क्लिक कर देंगे। देखिए गाइस यार फेस पे कितना मस्त लाइटिंग आ चुका है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसको रेड पे कर देंगे। देखिए यानी कि रेड हमारा फेस हो चुका है, आप लोग यहाँ से येलो भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको येलो कर देते हैं इतना पे, और वाइट को हम ज़्यादा ही कम कर दिए थे, इसको हम कुछ इतना कर देते हैं। फिर हम लोग आएंगे एक्स पे और टिंट को कुछ +8 और इसको भी +8 और ऊपर वाले को आप लोग प्लस कर सकते हैं, माइनस मत कीजिएगा, प्लस आप लोग कीजिएगा। प्लस इसको ज़्यादा नहीं, प्लस हमको 4 या 6 करना है, 6 चलिए हम कर देते हैं। फिर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग सिचुएशन को माइनस लो कर दीजिएगा, -4 कर दीजिएगा। फिर हम लोग इफेक्ट पर आएँगे एंड क्लैरिटी पे, क्लैरिटी को हाई कर लेंगे और विग्नेट को इतना लो। सो उसके बाद देख सकते हैं फोटो हमारा कितना गजब का लुक में लग रहा है एंड बैकग्राउंड येलो एंड फेस भी तने सा येलो टोन, जो कि फुल HD में बना हुआ है फोटो। तो गाइस यार आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार वीडियो के साथ।